Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today we are going to discuss over your very first unit, number systems. And in number system we will discuss over the real numbers. So before starting the content of this particular unit, we talk about the marks allotted for this particular unit and the time allotted for this particular unit. So we talk about the marks. अगर हम marks की बात करें तो इस particular unit से आपको exam में 8 marks के questions मिलेंगे और इसके लिए जो CBSE ने time allot किया है that is 16 periods. In which it means कि आपको ये particular unit 16 periods में learn करनी है, सीख लेनी है. सो बात करते हैं सिलेबस कंपोजिशन की. सिलेबस कंपोजिशन में इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या सीबीएसई के द्वारा रखा गया है वो हमें पता होना चाहिए. अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो आप बुक से पढ़ते आ रहे थे कि जो बुक आपके पास है आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी बुक में से आएंगे. बट नाउ द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड. अभी आपको क्या है, अभी आपको जो पर्टिकुलर आप अथॉरिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे अभी आप सीबीएसई एग्जाम देंगे तो सीबीएसई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सिलेबस डिसाइड करती है कि हम इसमें इस एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना है और किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे. तो आपको सबसे पहले सिलेबस को देखना होता है. मैं चाहूँगा कि आप सिलेबस हर सब्जेक्ट का एक बार जरूर देख लें. अगर आपने नहीं देखा है अभी तो अभी आई टैब पर आप क्लिक करके वीडियो पर जा सकते हैं जिसमें मैंने आप सिलेबस कैसे देख सकते हैं इसके बारे में बताया है. तो बात करते हैं यहाँ सिलेबस कंपोजिशन की. तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें सबसे पहले क्या करना है, रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. मींस हम प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसको रिव्यू करेंगे. जैसे कि आप ये आपके सामने नंबर लाइन है, इसको आप देख सकते हैं. यहाँ पर 1/3, 2/3 ये रिप्रेजेंट कर आपको दिखाए गए हैं. आगे दूसरी नंबर लाइन अगर हम देखें तो इसमें 4/3 और 5/3 को रिप्रेजेंट कराकर दिखाया गया है और +2, +3 इस तरीके से नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस वे हम निगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आगे अभी हम इसको सीखेंगे. जस्ट मैंने आपको ताकि आप समझ लें कि हम क्या करने वाले हैं, उसलिए आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है. नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस. मतलब अभी तक आपने जो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए थे वो डेसिमल में नहीं थे. अभी डेसिमल में आप जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं इसमें कुछ समय के बाद डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाती है, उस तरीके के नंबर्स भी आपको यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने होंगे. कैसे करेंगे, ये आपके सामने फिगर है, इसको आप देख सकते हैं. जैसे हमें सपोज 2.56 रिप्रेजेंट करना है तो 2 और 3 के बीच में हमें ये मिलेगा. 2 और 3 को मैग्नीफाई करके हम यहाँ 2.1, 2.2 इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से आगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे. फिलहाल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस. नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि रेशनल नंबर जो रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ होते हैं. जैसे कि 10/3 आपने नंबर देखा होगा, हम जो इसको डिवाइड करते हैं इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर पता करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलती है, 3.3333. तो इस तरह की जो डेसिमल्स एक्सपेंशन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल. मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होती हैं बट आफ्टर सम टाइम डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाती हैं. जैसे एक और देखेंगे हम 35/6, इसमें देखेंगे 5.8 एंड देन आफ्टर 3333 ये रिपीट होता रहेगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा. तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. और आगे क्या करना है, हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पर हम ऑपरेशन लगाएंगे. ऑपरेशन मतलब जैसे आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके के ऑपरेशंस हम आगे रियल नंबर्स पर अप्लाई करेंगे. सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर यूनिट इज we will learn about the examples of non-recurring, non-terminating decimals. Means हम ऐसे examples देखेंगे decimal representation के जो कि non-recurring होंगे और non-terminating होंगे. जैसे अभी 10/3 की हमने decimal representation देखी, वो क्या थी, 3.33333, टर्मिनेट नहीं हो रही थी बट रिपीट हो रही थी, एक डिजिट उसमें क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी. लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे नंबर्स की जिनमें ना डेसिमल टर्मिनेट होगा और ना ही डिजिट्स रिपीट होना शुरू होंगी. एंड नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स.
एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स. नॉन रेशनल नंबर्स मतलब इरेशनल नंबर्स सच एज अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री एंड दियर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन. और हम इन इस तरह के नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द न्यू थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास. रेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. अब अगर हम बात करें ऐसे नंबर्स की तो उनमें सबसे पहला जो नंबर आता है दैट इज़ पाई. सभी जानते हैं पाई. पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 अभी हमने पढ़ी है. और अगर डेसिमल में बात करें तो क्या होती है, 3.14. बट डू यू नो दैट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू अगर हम 20 डिजिट तक कैलकुलेट करें तो क्या मिलती है, 3.14159265353589793238... और आगे भी ये एंड नहीं होती है, इसी तरीके से चलती रहती है. अब कितनी भी आगे तक इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कहीं कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिलेगा और ना ही ये एंड होगी. तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं या डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कहलाती है नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द पाई, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर पाई हैज बीन कैलकुलेटेड टू ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड लेंथ ऑफ 31 trillion डिजिट्स एंड द प्रीवियस रिकॉर्ड वॉज 22 trillion डिजिट्स. मीन्स इसकी जो डिजिट्स हैं वो 31 trillion डिजिट्स तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट की जा चुकी है अब तक. और अगर अंडर रूट टू की हम बात करें तो अंडर रूट टू की जो वैल्यू अभी तक हमने पढ़ी है वो है 1.414, ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेसेस तक पढ़ते हैं. बट अगर इसकी भी अगर हम आगे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 50 डिजिट्स तक मैंने आपको दिखाई हुई है और इसके आगे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहती है, ये भी एंड नहीं होगी और ना ही ये टर्मिनेट होगी. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होती है और ना ही रिपीट होती है. एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट टू इज कंप्यूटेड टू 10 trillion डिजिट्स. जैसे पाई की 31 trillion डिजिट्स तक कैलकुलेट की जा चुकी है और ऐसी अंडर रूट टू की कहां तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 trillion डिजिट्स. तो दोनों में ट्रिलियन वर्ड आया है. तो आपको मैं एक यहां पर होमवर्क देना चाहूंगा, आप कमेंट में लिखकर बताएंगे दैट हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 trillion. क्लियर. सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्जली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर. इस तरीके से देखिए अंडर रूट थ्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम शो किया है, कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे. नेक्स्ट थर्ड टॉपिक की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर. हम यहाँ पर पढ़ेंगे nth रूट ऑफ अ रियल नंबर. अब ये nth रूट क्या, हमने स्क्वायर रूट पढ़ा है, क्यूब रूट हमने पढ़ा है, तो ये क्या है nth रूट. जैसे स्क्वायर nth रूट मतलब अगर हम x का nth रूट निकालते हैं तो उसकी नोटेशन क्या होगी, दिस टाइप वी विल राइट इट. एंड इसका मतलब क्या होगा, x टू द पावर 1/n. सो दिस इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ x. जैसे हमने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मीन्स दिस वे हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये टू साइलेंट कर देते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं. स्क्वायर रूट में इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर टू है और ये क्या निकाल रहे हैं आप, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. ऐसे ही क्यूब रूट निकालते हैं तो वहाँ हम यहाँ पर थ्री लिखते हैं और इसका क्या मतलब होता है, दैट एक्स टू द पावर इज 1/3. सो वी विल डिस्कस ओवर दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. Just we are talking about here the syllabus, what we are going to learn in this particular unit. Next thing, what we are going to learn, rationalization. Rationalization of real numbers of the type a 1/a + b under root x and 1/√x + √y. इस तरीके के जो हमारे पास numbers होंगे, real numbers होंगे. अब real numbers में दोनों आते हैं, rational भी और irrational भी. तो जो irrational number होंगे उनके डेनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे. जहाँ पर एक्स और वाई कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं और ए और बी क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स. कैसे करेंगे आप, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है.
बाकी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। जैसे ये है 1/7 + 3√2, तो इसका डायनोमिनेटर क्या है? इरेशनल है। इसमें आप देख रहे हैं √2 आ रहा है, ये इरेशनल है, तो हमें डायनोमिनेटर को क्या करना है? रेशनलाइज करना है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 31। सो हाउ वी विल डू दैट, वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियोज। सो द नेक्स्ट, रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद इंटीग्रल पावर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको बात करना चाहें, जैसे ए टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एन, बोथ बेसिस आर सेम देन पावर्स विल ऐड, तो इनके बारे में हम जो हमने पहले पढ़ा है उसको रिव्यू करेंगे और कुछ नया इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। एंड द रेशनल एक्सपोनेंट्स विद पॉजिटिव रियल बेसिस, मतलब पॉजिटिव रियल बेसिस होंगे, उनकी जो एक्सपोनेंट होगी वो क्या होंगी? रेशनल होगी। लाइक दिस, सो दिस वाज द सिलेबस विच यू हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर्स, हाउ वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर्स। बट बिफोर दिस आई वॉन्ट टू शो यू द डायग्राम ऑफ रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम के डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं अब तक, वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से वो रिलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले छोटी क्लासेस पे हमने शुरू किया था, कहाँ से? नेचुरल नंबर से। हम सभी जानते हैं नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इफ वी इंक्लूड द जीरो इन दिस सेट, यदि हम इस सेट में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, तो देन इट बिकम्स द होल नंबर्स। एंड इफ वी इंक्लूड -1, -2, -3 दिस टाइप ऑफ नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर सेट, देन दिस सेट बिकम्स इंटीजर। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ऐसे ही अगर हमारे साथ वो आ जाता है आगे 1/2, -2/5, 2.25, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कोल्ड रेशनल नंबर्स। अभी अगर हम यहाँ तक देखें तो ये जो ग्रीन कलर का आप रीजन देख रहे हैं, इसके अंदर आपके सारे आ रहे हैं, इंटीजर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट सम रेशनल नंबर्स आर देयर विच आर नॉट नेचुरल, जो इससे बाहर होंगे, जैसे -1, -2, -3, दीज आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स बट दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जीरो इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो दीज टाइप ऑफ नंबर वी हैव ऑलरेडी रीड इन अवर प्रीवियस क्लासेस। द न्यू थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास इज दैट इरेशनल नंबर्स, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स रेशनल एंड इरेशनल बिकम्स रियल नंबर्स। दिस कंप्लीट सेट नोन एज द रियल नंबर्स। सो √3 विल बी अ रियल नंबर बट इट विल नॉट बी अ रेशनल नंबर, एज 1/2 विल बी अ रेशनल नंबर बट इट विल नॉट बी इरेशनल नंबर। सो अभी इनके डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, तो रियल नंबर्स को जैसा हमने भी देखा दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर्स लाइक 2, 2/5, -2/5 एक्सेट्रा, एंड इरेशनल नंबर्स √3, √2 एक्सेट्रा। अब रेशनल नंबर्स की टू टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक 0.5, 3.5, 1.3, मीन जिसमें डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, एंड द अनदर फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इन विच डेसिमल विल नेवर टर्मिनेट बट इट रिपीट्स आफ्टर सम टाइम, या कुछ समय के बाद डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाती है, जैसे 0.3333 और 0.55555, इसको हम क्या लिख देते हैं, जैसे 0.5 बार। ऐसे ही जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये ना ही रिपीट होते हैं और ना ही एंड होते हैं। तो इस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है? इरेशनल नंबर्स की। तो डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से हम नंबर को पहचान सकते हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर हेयर दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी जो रियल नंबर है वो नंबर लाइन पर किसी एक यूनिक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑल्सो वी कैन से दैट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन मीन्स नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वुड लाइक द वीडियो देन
you click on the like button, and if you think that this video has some information, so you can subscribe the channel and share with your friends also. So thanks for watching, and do exercise in your notebook.